मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बेटीखेड़ी में 10 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण हुए चोरी, नहीं कर रही पुलिस सुनवाई, पीड़ित परिवार पहुंचा मंदसौर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बेटीखेड़ी में 25 अप्रैल को घर में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित 10 लाख रुपए नगद चोरी हुए थे, पर अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति है जिसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार कई बार एसपी, एडिशनल एसपी सहित एसडीओपी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज फिर मंदसौर पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएसपी सतनाम सिंह से पीड़ित परिवार मिला। सीएसपी सतनाम सिंह द्वारा नाहरगढ़ थाना प्रभारी से फोन पर चर्चा कर कहा कि जो भी व्यक्ति उस पर कार्रवाई कर चोरी का खुलासा करे। सीएसपी सतनाम सिंह द्वारा बताया गया कि पीड़ित परिवार ने बताया कि लगभग 30 लाख रुपए की चोरी हुई है। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि कई राजनीतिक दबाव भी पुलिस के ऊपर आ रहा है और इसी कारण से पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पा रही है। यह बड़ी घटना है जो कि अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण पर अब देखना यही होगा कि इस चोरी का कब तक खुलासा होगा। पीड़ित परिवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारे घर पर 30 लाख रुपए के करीब की चोरी हुई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। और पुलिस हमेशा कहती है कि आपके ही परिवार का व्यक्ति है, और हमने भी कई बार पुलिस को कह दिया है कि हमारे ही घर का व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई करें, पर यह चोरी का खुलासा जरूर करें। मिले आप क्या मामला पूरा क्या? जी हमारे 25 अप्रैल को चोरी हुई है 30 लाख रुपए की। हमने कई चक्कर लगाए, एसपी साहब को भी बताया, एडिशनल एसपी साहब को भी बताया, एसडीओपी साहब को, थाने में हम तीसरे रोज जाते हैं। तो बस हमें यही बता रहे हैं कि परिवार का है और हमें गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है इसमें राजनीतिक प्रेशर हो या किसी का ऐसा हाथ हो, परिवार का हाथ है या परिवार, मतलब परिवार की बोल रहे हैं कि परिवार का ही है। तो जो भी परिवार का है उसका, चाहे कोई वो हमारा लड़का हो या जो भी हो, उसका मतलब खुलासा किया जाए और मेरी जो भी रकम गई है, पैसे गए हैं सोना चांदी, मुझे वापस दिलाने की कृपा करें। कितना मामला समय हो गया है? 25 अप्रैल की बात है, 3 महीने ऊपर हो गए, चौथा महीना चल रहा है। कहाँ हुई चोरी? गाँव बेटीखेड़ी में। मेरा नाम रामेश्वर बेरूलाल जाट है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ मेरी चोरी का खुलासा हो और जो भी इसमें हो उसके उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और मेरा जो भी गया है धन दौलत पैसा 10 लाख रुपए केस हैं और सोना चांदी है, वो सब वापस दिया जाए। रामेश्वर जाट हैं, ये हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहले जा चुके थे, तो मैंने टीआई साहब नाहरगढ़ को बता दिया है कि परिवार का भी कोई हो या फिर कोई भी हो, इसको पक्के से, इसको अच्छे से देखना है इस चोरी को। जो भी निकले, बात वो नहीं है कि कौन इसमें अपराधी बना, बात यह है कि इसको देखा जाए। 30 लाख रुपए की चोरी बता रहे हैं ये, मैंने कैसा से बात की है, हम इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं।